घाना पुलिया से बांसवाड़ा जा रहे 11 यात्रियों का वाहन पुलिया के गड्ढे में फंस गया। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद भी जब वाहन नहीं निकला तो जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में बांसवाड़ा जा रहे गुरु पूजन के लिए तभी एक अचानक हादसा भगाने की छोटी पुलिया के यहां पर हो गया। जहां से चचोर से बांसवाड़ा जा रहे थे तभी तेज बारिश के कारण छोटी पुलिया रोड पर पानी अधिक भरने से रोड के पास गड्ढा होने से तूफान गाड़ी गड्ढे में उतर गई, जिससे यात्री परेशान होते रहे। हालांकि घटना में किसी को चोट नहीं लगी, सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन जेसीबी बुलाकर गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में नीमच के पास ही चचोर से बांसवाड़ा 11 यात्री जा रहे थे, इसी दौरान तूफान गाड़ी गड्ढे में जा फंसी। गाड़ी को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। देखिए, ये नीमच शहर से बघाना को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जो मंडी चौराहे से लेकर नाका नंबर 4 तक जाती है। इसकी हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह ख़राब हो गई है। यहाँ कुछ समय पहले नाले का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, परंतु ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ के भग गया। अब यहाँ रोज़ जनता परेशान हो रही है, रोज़ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज़ लोगों को लग रही है। आज ये देखिए आपके सामने, ये लोग बांसवाड़ा जाने वाले थे, इस रोड के द्वारा राजस्थान में छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की तरफ ये सड़क जाती है। ये जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये बांसवाड़ा के ये नागरिक थे, महिला पुरुष सब थे। अब इनकी गाड़ी यहाँ पर फंस गई है, इन्होंने बेचारों ने जैसे भी बुलवाई उससे भी नहीं निकली, ये सब परेशान हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में लोग हजारों, करीब 25-30 हज़ार जनता बघाने में निवास करती है, और रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ से छोटी सादड़ी होते हुए राजस्थान में जाते हैं, परंतु नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, ना तो ये रोड का लेवल ये सही करा है। यहाँ पर इस रोड के दोनों तरफ, एक तरफ कृष्णा नगर है, एक तरफ राज कॉलोनी है, जब बारिश होती है तो यहाँ के लोग नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते। बड़ी सादड़ी होकर मतलब बांसवाड़ा जा रहे थे, भवेश्वर की सवारी थी हमारे पास में लेडीज़, गुरु पूर्णिमा के पर वो मनाने जा रहे थे। इसके वैन के क्रॉसिंग में पानी में गिर गई, मतलब आपको कितनी देर हो गई है? हादसा हो गया 2 घंटे हो गए। इसको लेकर गाड़ी निकालने के लिए परेशानी हो गई? परेशानी हम जैसे ही बुलाने गए थे तो वो बोले कि अभी नहीं है यहाँ पर कोई।